नमस्ते। एनी बेसेंट गाना गा रही है, ये मेरा दिल है नैना का दीवाना, आता है मुझको कांग्रेस का प्रेसिडेंट बन जाना, मुश्किल है अंग्रेजों का बच के जाना, ये मेरा दिल है नैना का दीवाना। कैसे एनी बेसेंट हेलेना की दीवानी बन गई और होम रूल मूवमेंट स्टार्ट करने से लेकर कांग्रेस की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनने तक का सफर करेंगे तय प्यारी शिक्षा के संग। आओ चलते हैं एनी बेसेंट की दुनिया में। देखो, एनी बेसेंट की जब बेटी बहुत ज्यादा बीमार हुई, वो बहुत छोटी सी थी, तो एनी बेसेंट जो कि चर्च में बहुत विश्वास रखती थी, उनको ऐसा लगा कि ईश्वर होते हुए भी क्यों मेरी बिटिया को इतना कष्ट सहना पड़ रहा है, और उन्हीं प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए वो निकल पड़ी। उनको जब एक बुक रिव्यू करने के लिए दी गई, उस बुक का नाम था द सीक्रेट डॉक्ट्रिन, जो कि H.P. ब्लेवस्की ने लिखी थी। उस बुक को रिव्यू करते हुए उनकी आंखों में चमक आ गई। जिन सवालों का आंसर सो ढूंढ रही थी, वो उनको कहीं ना कहीं इस बुक के थ्रू मिल चुके थे, और इसलिए उन्होंने फटाफट ब्लेवस्की से मिलने के लिए मीटिंग तय की, और उनके इंटरव्यू के दौरान ही वो उनकी फैन बन गई, और उनके द्वारा स्टार्ट गई थियोसॉफिकल सोसाइटी को बेसेंट ने 1889 में ज्वाइन कर लिया। अब ये थियोसॉफिकल सोसाइटी कब स्टार्ट की थी उसको देख लेते हैं। हेलेना पेट्रोवना ब्लेवेस्की ने हेनरी स्टील ऑलकॉट के साथ मिलकर 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी अमेरिका में स्टार्ट की। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मेन मोटो था, देयर इज नो रिलीजन अबव ट्रुथ। वो ट्रुथ है आत्मा, जो हम सब के अंदर बसी हुई है, चाहे वो कृष्णा है, अल्लाह है, बुद्धा है, तो वो ही ब्रह्म ज्ञान सब धर्मों का बेसिस है। अब यही थियोसॉफिकल सोसाइटी की ब्रांचेस भारत में भी खुलेंगी जब ये दोनों ब्लेवस्की एंड ऑलकॉट भारत विजिट करेंगे 1879 में, और 1882 में ये अडयार थियोसॉफिकल सोसाइटी इस्टेब्लिश करेंगे जो कि चेन्नई में है। क्योंकि ये भारतीय वेदास और संस्कृति से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, इसलिए ये भारत खींचे चले आए थे। और वहीं आपने देखा कि 1889 में अमेरिकन जो थियोसॉफिकल सोसाइटी, उसको एनी बेसेंट ने ज्वाइन किया था, और 1893 में ये वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन जो कि शिकागो में हुई, उसमें थियोसॉफिकल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करेंगे। और उसी साल ये 1893 में ही भारत आ पहुंची विद H.S. ऑलकॉट, और ये पहले बनारस विजिट करेंगे जहाँ पर 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज एंड स्कूल फॉर बॉयज स्टार्ट करेंगे, और थोड़े दिनों बाद ऐसा ही स्कूल और कॉलेज गर्ल्स के लिए भी खोला जाएगा। अब यही जो कॉलेज है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का न्यूक्लियस बनेगा, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आज के टाइम में बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है। इसी के साथ ये इंडियन स्काउट एसोसिएशन इन मद्रास स्टार्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ G.S. अरुणडेल। देखिए, स्काउट मूवमेंट का स्टार्ट जो है भारत में किसी और ने किया था, लेकिन उसमें सिर्फ एंग्लो इंडियंस और ब्रिटिशर्स के बच्चे ही अलाउड थे, तो भारतीय बच्चों के लिए इसको ओपन किया एनी बेसेंट ने G.S. अरुणडेल के साथ इन मद्रास। और सेंटर्स जो थे वो किन किन और बंदों ने, भारतीयों ने ही खोले। और 1914 में ये भारत माता की आजादी के उद्देश्य से जुड़ जाएंगी, और इसी साल में ये कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगी, और दो जनरल्स की शुरुआत करेंगी, दी कॉमनवेल्थ जो कि नेशनल रिफॉर्म्स की बात करता था, और न्यू इंडिया जिसने होम रूल को प्रमोट किया। होम रूल का मीनिंग समझिए, जैसे कि हमारे घर में जो हमारा कमरा है उसमें हमारा रूल चलता है कि मैं इतने टाइम पे पढ़ रहा हूँ, पापा मम्मी आप मेरे को डिस्टर्ब मत करना, लेकिन हमारे ओवरऑल घर पर जो है वो पापा मम्मी का रूल चलता है। ऐसे ही होम रूल में डिमांड किया गया कि जो प्रोविंसेस हैं वहां पर भारतीय खुद अपने ऊपर राज करें, और सेंटर में ब्रिटिशर्स ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसकी डिमांड सबसे पहले इस आइडिया को प्रेजेंट किया 1915 में कांग्रेस के आगे एनी बेसेंट ने, कि हमें इस तरीके का मूवमेंट स्टार्ट करना चाहिए। अब वो तो कांग्रेस का इंतजार करती रही कि कब ये लोग रिस्पॉन्स देंगे। वहीं तिलक जी भी जब ये आइडिया प्रेजेंट कर रही थी वहां पर प्रेजेंट थे, तो उन्होंने बिना किसी देरी के अप्रैल 1916 में इस मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया। फिर
फिर इंतजार के बाद इन्होंने सितंबर 1916 को एनी बेसेंट ने इसको लॉन्च किया। और ये मूवमेंट इतना पावरफुल था क्योंकि ये जन जन तक जाके अवेयरनेस फैला रहे थे कि होम रूल क्या है और इससे क्या होगा। तो ब्रिटिशर्स ने डर के मारे 1917 में इनको हाउस अरेस्ट कर लिया, एनी बेसेंट को। देखो जून 1917 में इनको हाउस अरेस्ट किया गया, वहीं अगस्त 1917 में उस टाइम के वायस राय लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जो कि 1916 में भारत के वायस राय बन गए थे, उन्होंने 1917 में अगस्त डिक्लेरेशन किया कि हम लोग आप लोगों को होम रूल दे रहे हैं और जिसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आएगा। तो यानी भारतीय मांग रहे थे डेयरी मिल्क सिल्क, और चेम्सफोर्ड ने लॉलीपॉप दे के ही इनको मना लिया, और वो लॉलीपॉप सही में धोखा देगी। तो 3 महीने में ही एनी बेसेंट को सितंबर तक छोड़ दिया गया, और फिर वो दिसंबर 1917 में प्रिसाइड करेंगी कलकत्ता कांग्रेस सेशन, और इस तरीके से ये फर्स्ट वुमेन बन जाएंगी टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस सेशन इन कलकत्ता। और इसके बाद धीरे धीरे ये राजनीति से अलग हो जाएंगी। देखो इन्होंने वुमेन्स के लिए अब क्या किया उसको देख लेते हैं। मार्गरेट कजिन्स जो कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की मेंबर्स से 1915 में भारत आती हैं, और उन्हीं के साथ मिलकर एनी बेसेंट जो है वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन एडीआर ने स्टैब्लिश करेंगे 1917 में। और मार्गरेट कजिन की मेन डिमांड थी वुमेन्स को वोटिंग राइट्स देना और उनके लिए एजुकेशन में रिफॉर्म लाना। अब इसी डिमांड के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में वो वाला क्लॉज जुड़ेगा जिसमें वुमेन्स को वोटिंग राइट दी जाएंगे, तो वो वाला क्लॉज इन्हीं के प्रयासों की देन था। अब ये एनी बेसेंट इस एसोसिएशन को प्रिसाइड भी करेंगे, और इसी से ग्रो होगा ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस इन पूना फॉर एजुकेशन रिफॉर्म इन 1927। अब इनसे और बहुत सारी महिला इनसे एसोसिएटेड रहेंगी, सरोजनी नायडू भी एसोसिएटेड रहेंगी, और ये वुमेन्स रिफॉर्म में बहुत बड़ा काम करेंगे। देखो 2015 में ये क्वेश्चन आया है कि द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज सरोजनी नायडू। आपने इसी वीडियो में देखा कि आता है मुझको कांग्रेस का प्रेसिडेंट बन जाना, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट जो बनी वो थी एनी बेसेंट। यहाँ एकदम ये गलत जाता है। द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज बदरुद्दीन तैयब जी। ये जो ऑप्शन है ये यहाँ पे सही है। सबसे पहले मुस्लिम जो प्रिसाइड थे कांग्रेस को करने वाले वो बदरुद्दीन तैयब जी ही थे, तो ऑप्शन टू यहाँ पे सही जाता है। में ये क्वेश्चन आया है एनी बेसेंट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग द होम रूल मूवमेंट। येस इट इज करेक्ट। द फाउंडर ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी। नो, फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी इज एचपी ब्लेवस्की एंड ऑलकॉट, तो ये गलत हो गया, यानी ऑप्शन टू यहाँ पे काट दीजिए। तो बी और डी पहले ही कट गए हैं। वंस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑफकोर्स एनी बेसेंट ही इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी, तो यहाँ पे 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। और नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे कांग्रेस वालों ने मांगी तो डेयरी मिल्क सिल्क थी, और चेम्सफोर्ड ने दे दी लॉलीपॉप। तो वो डेयरी मिल्क सिल्क है लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट की तरह तहत जिन्ना और तिलक उसको साइन करके उन रिफॉर्म्स को ब्रिटिशर्स को प्रेजेंट करेंगे कि हमको ये सारे रिफॉर्म्स आगे वाले आने वाले कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स में चाहिए, पर चेम्सफोर्ड उनको कैसे लॉलीपॉप थमा देंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लिंक करेंगे।